नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चटपटी चटोरी रसोई में। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत टेस्टी, अमेजिंग और इजी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ट्रेडिशनल गुजिया की रेसिपी। गुजिया जिसे ज़्यादातर हम जो है ना होली पर देखते हैं, ये बनाने में बहुत ही आसान है, इजीली बन जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस होती है। बहुत आसान तरीके से जो है गुजिया की रेसिपी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लास्ट तक फॉलो कीजिएगा और इसके ट्रिप्स को जो है फॉलो करके आप घर बैठे इजीली हलवाई जैसी जो है गुजिया आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस होती है। गुजिया दो तरीके से बनाई जाती है, एक सूखी और एक चाशनी वाली। आज मैं आप लोगों के साथ जो है चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही इजीली आप घर पर बना सकते हैं और घर बैठे बाहर जैसे एकदम हलवाई स्टाइल गुजिया का जो है आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गुजिया की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैदा 250 ग्राम, यानी कि कप से देखें तो ये 2 कप है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टेबलस्पून जो है देसी घी लिया है और ग्राम्स में देखें तो ये 30 ग्राम्स है। अब इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। इसे अपने हाथों से अच्छे से क्रम्बल कर लीजिएगा, तब तक जब तक इसमें जो है एक अच्छी सी बाइंडिंग ना आने लगे। ये देखिए, इसे अच्छे से हमें जो है मिक्स कर लेना है इस तरह से। जब ये आपस में इस तरह से बाइंड होने लगे और इधर उधर करने पर टूटे नहीं, सिर्फ प्रेस करने से टूटे, इस तरह की जो है बाइंडिंग इस आटे में होनी चाहिए। जब ये इस तरह का रेडी हो जाए तब हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें जो है एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। धीरे धीरे हम जो है इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का। अब इसे ढक कर जो है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मावा लिया है 1 कप, यानी 200 ग्राम और कुछ जो है चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें जो है बादाम, काजू, पिस्ता और जो है कसा हुआ नारियल है। अब एक पैन लेंगे और उसमें जो है 2 बड़े चम्मच मैंने घी ऐड किया है और उसमें मैं जो है अपना ग्रेट किया हुआ जो है कोकोनट, यानी कि नारियल जो है उसमें ऐड कर देंगे और उसे जो है रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मैंने जो है लो रखा है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे जो है रोस्ट करना है। जैसे ही हमारा जो है कोकोनट अच्छे से जो है रोस्ट हो जाएगा, इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे हम, देखिए, और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जो है 3 से 4 हरी इलायची के जो है बीज भी अच्छे से निकाल कर इसमें मिक्स कर दिए हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रेडी हो गए हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और हमने यहाँ पर जो मावा लिया है उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है मैंने। आप चाहें तो इसे हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है, जब तक ये हल्का हल्का जो है सुनहरा या गोल्डन ना होने लगे। ये देखिए, हमारा जो मावा है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसे जो है अलग से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैं इसे यहाँ पर अलग से एक बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हमारा जो मावा है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है। अब यहाँ पर इसमें अपने रोस्ट करे हुए सभी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर 1 कप जो है पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने, ये नॉर्मल शुगर है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में जो है पीस कर इस तरह का आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और हमारी जो स्टफिंग है गुजिया की वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हमारी जो स्टफिंग एकदम सूखी और ड्राई है, जिससे हमारी जो गुजिया है वो काफ़ी दिनों तक चल सकती है। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और 1 कप चीनी। जितना पानी उतनी हमें जो है शुगर ऐड करनी है और इसका एक शुगर सिरप रेडी करना है। इसे अच्छे से स्टर करेंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद इसे 3 से 4 मिनट कुक करना है सिर्फ। हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक चिपचिपा सा जो है हमें सिरप रेडी करना है, बिल्कुल इस तरह का। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है सैफरन यानी केसर और कटे हुए पिस्ता डाले हैं। ये देखिए, हमारा जो है डो और हमारी स्टफिंग दोनों रेडी हो चुकी हैं और हमारी जो है सिरप भी रेडी है। तो चलिए हम जो है गुजिया बना लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है इस तरह का एक पेड़ा लेंगे। हमने इस तरह की छोटी छोटी जो है बॉल्स बना ली हैं।
और उसे जो है अच्छे से रोल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए जैसे हम पूरी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें जो है इसे बेलना है। और इसकी थिकनेस जो है ना बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, ना ही बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली। इसके बीचों बीच में हम जो है अब स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके चारों तरफ जो है हम हल्का हल्का पानी लगा देंगे ताकि हम इसके एजेस को जो है अच्छे से बंद कर सकें। इसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो गुजिया है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी जो है कुक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल बाजार जैसा बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम इसे इस तरह से जो है एक शेप देंगे। कुछ भी नहीं, सिंपली हमें इसे जस्ट फोल्ड करना है और प्रेस करना है। इस तरह से जस्ट फोल्ड करना है और प्रेस करना है, फोल्ड एंड प्रेस। और ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन इसका बन गया है, बिल्कुल बाजार जैसा। विदाउट मोल्ड हमने जो है गुजिया बनाई है, और ये विदाउट मोल्ड भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हम जो है इसे बार बार फोल्ड करेंगे और उसे अपने हाथों से फिंगर से जो है अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये लीजिए हमारी जो गुजिया है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम अपनी जो है सभी गुजिया को रेडी कर लेंगे एक एक करके। पर मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल लिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। हमें जो है लो फ्लेम पर जो है ऑयल को गर्म करना है और एक एक करके जो है गुजिया को ऐड करते जाना है। हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल भी जो है गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो गुजिया है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और इसे जो है 4 से 5 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर जो है कुक होने दीजिए। जैसे ही हमारी गुजिया जो है अच्छे से कुक हो जाती है, एक तरफ से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाती है, हम उसे जो है फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे जो है गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे ही गुजिया दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाती हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, वैसे ही हम जो है एक एक करके जो है सभी गुजिया को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम गुजिया को बाहर निकालते हैं, उसे हमें जो है इमीडिएटली गर्मा गर्म चाशनी में जो है सोक करना है। एक तरफ 2 से 3 मिनट तक जो है चाशनी में रखने के बाद हम इसे जो है फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी जो है अच्छे से चाशनी कोट हो सके। उसके बाद एक एक करके हम सभी गुजिया को जो है बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और एक छलनी पर रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा सिरप है ना वो निकल सके। ये देखिए, और ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म गुजिया जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस तो है ही, लेकिन देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बाजार जैसी गुजिया जो है घर पर बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी में जो जो टिप्स दी हैं उनको अगर आप ध्यान में रखकर जो है गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया भी जो है बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस बनेगी। गुजिया को कुक करते टाइम एक तो ऑयल जो है बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पर जब हम गुजिया को कुक करते हैं ना तो वो अंदर तक जो है अच्छे से पक जाती है और उसमें जो है बाहर से एक खस्तापन आ जाता है जो बाहर की गुजिया में हमेशा देखने को मिलता है। दूसरा, जब भी आप गुजिया को रेडी करके ऑयल से बाहर निकालते हैं ना तो इसे इमीडिएटली जो है शुगर सिरप में जो है डाल देना चाहिए ताकि वो शुगर सिरप को अच्छे से जो है सोक कर सके और हमारी जो गुजिया है वो काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बनी रहे। देखिए एकदम बाजार जैसी जो है गुजिया घर पर बनाने के लिए आप जो है रेसिपी को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, प्लीज़ उसे याद से प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके, सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।